हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का गेमिंग टेक पर एक बार फिर से। तो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फेक वर्सेस ओरिजिनल PS4। और पिछले वीडियो में मैंने एक्सबॉक्स के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टेशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप प्ले स्टेशन 4 फेक वाला खरीद रहे हैं या फिर ओरिजिनल वाला। और फेक के मतलब से यहाँ पर मेरा मतलब है इम्पोर्टेड वाला, और ओरिजिनल का मतलब है आपको इंडियन वाला पीस मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर आपको वारंटी नहीं मिलेगी। बाकी आपको खरीदने चाहिए तो इससे कैसे पहचाने वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके जाना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो तो गाइस, अब जो आप बॉक्स देख रहे हो वो PlayStation 4 इम्पोर्टेड वाला है, विदाउट बिल वाला। और इसमें भी कुछ चेंजेस है कंट्रोलर्स में, जैसे कि ओ का बटन एक्स का काम करेगा और एक्स का बटन ओ का काम करेगा। और इसमें वारंटी नहीं कवर हो सकती है। और अगर आपका PlayStation 4 बिगड़ जाता है तो सोनी सर्विस सेंटर आपका कुछ भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वारंटी ही नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिफरेंस कवर करने वाले हैं कि आपको कैसे लेना चाहिए या फिर कहाँ से लेना चाहिए PlayStation 4 को। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेड वाले पीस को कि आपका उसका बॉक्स कैसे दिखते हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेड वाला पीस पहचानना चाहते हैं तो आपको उसमें एक मॉडल नंबर मिलेगा, जैसे कि CUH। और इंडिया के लिए जो होता है उसमें लास्ट हमें 08 आता है। तो अगर आप उसमें से इम्पोर्टेड वाला पहचानना चाहते हो तो लास्ट में 08 के अलावा कुछ भी आता है तो वो पीस इम्पोर्टेड वाला होता है। अगर 08 होता है तो वो इंडिया वाला होता है, तो उसे देख लेना। और दूसरी बात, उसमें आपको येलो कलर का वारंटी कार्ड भी नहीं मिलेगा, और आगे में बॉक्स के आगे में आपको येलो कलर का स्टिकर भी नहीं मिलेगा, जैसे कि 1 ईयर वारंटी वाला स्टिकर उसमें नहीं मिलेगा इम्पोर्टेड वाले में। तो अगर आप इम्पोर्टेड वाला सेट को खोल के देखेंगे, बॉक्स से निकाल के देखेंगे, तो उसमें आपको येलो कलर का वारंटी कार्ड नहीं मिलेगा। और उसमें जो है पावर केबल जो है वो 3 पिन वाला होता है, वो भी इंडिया के लिए नहीं, जैसे कि US और यूरोप कंट्रीज़ के लिए। तो इसको भी देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपको इम्पोर्टेड वाला मिला है या फिर ओरिजिनल मिला है। तो अगर आप वारंटी वाला देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें येलो कलर का स्टिकर लगा है वो दिखने को मिलेगा, जैसे कि 1 ईयर वारंटी वाला। और अंदर में बॉक्स के अंदर से आपको एक येलो कलर का वारंटी कार्ड भी नहीं मिलेगा, जो कि सोनी का ही ऑफिशियल वारंटी जो होता है। और उसका जो पावर केबल है वो राउंड पिन वाला होता है, जो कि इंडिया के लिए ही बनाया जाता है। तो खरीदते वक्त ये भी देख लेना कि आपको ओरिजिनल मिल रहा है विद वारंटी वाला कि और या फिर नहीं मिल रहा है। और उस वारंटी कार्ड में आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा, जो कि आपके मशीन में भी होगा, PlayStation 4 में भी होगा और उसके बॉक्स में भी होगा। तो उसको आप मैच करके देख लेना कि आपको सही पीस मिला है या फिर नहीं। तो अगर आप चाहते हो सोनी PlayStation 4 को खरीदना, तो उसके लिए आप सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर टू बाय। और वेयर टू बाय में आपको आपका एरिया का पोस्टल कोड डाल देना है, तो सोनी उसका एक लिस्ट बनाएगा कि आप कौन ऑथराइज्ड है या फिर कौन ऑथराइज नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना प्रेफर करोगे तो उसमें भी सोनी ने एक लिस्ट बनाया हुआ है, जो कि कौन कौन आपको विद वारंटी और विद बिल भेजना चाहता है। तो आप खरीदने से पहले एक एक बार सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सब कर लेना, तो आपको विद वारंटी ओरिजिनल वाला PlayStation 4 मिल सकता है। और अब PlayStation 4 विद वारंटी वाले में आपको एक सबसे पहले आपको बॉक्स में 1 ईयर वारंटी वाला येलो कलर का स्टिकर मिलेगा, और सीरियल कोड भी मैच करना चाहिए। और इसका जो कोड है वो 018 या फिर लास्ट का जो नंबर है वो 8 होना चाहिए इंडिया वाले के लिए। और अगर आप PlayStation 4 की जगह PlayStation 4 Pro को ख़रीदना चाहते हो तो उसमें भी यही प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर को फॉलो कर लेना। तो गाइस, ये थी PlayStation 4 के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन कि कौन सा इंडियन है या फिर कौन सा इंपोर्टेड वाला है। तो अभी आप कौन सा भी मार्केट जाएंगे या फिर ऑनलाइन खरीदने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कौन सा सेट खरीदने वाले हो। तो प्रेफरेंस
प्रेफर करूँगा यही कि आप इंडियन वाला ही खरीदे विद वारंटी वाला। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड गुड बाय।